और 12 सितंबर से चलेंगी कई स्पेशल ट्रेन। इसको लेकर मधुपुर रेलवे आरक्षण काउंटर पर लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। रेलवे द्वारा 12 सितंबर से 80 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा के बाद मधुपुर रेलवे आरक्षण काउंटर में भीड़ भाड़ देखी जा रही है। वहीं लगभग 5.5 महीने के बाद मधुपुर से आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन का परिचालन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। यह ट्रेन 02466 डाउन आनंद विहार से 16 सितंबर को चलेगी और मधुपुर 17 सितंबर को पहुंचेगी। पुनः यह ट्रेन 17 सितंबर को मधुपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना होगी। इसके अलावा मधुपुर होकर सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चलेगी। यह ट्रेन 700F 12 सितंबर को सिकंदराबाद से खुलेगी और 13 सितंबर को मधुपुर पहुंचेगी। वहीं 7008 डाउन एक्सप्रेस दरभंगा से 15 सितंबर को खुलेगी और मधुपुर 15 सितंबर को दोपहर पहुंचेगी, जबकि देवघर से अगरतला स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। ट्रेन परिचालन की घोषणा के बाद महीनों पूर्व घर लौट आए अधिकतर लोग कामकाज की तलाश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात, केरल, हरियाणा, पंजाब आदि गाँवों में लौटने के लिए टिकट कटाने के लिए उनकी भीड़ उमर पड़ी है। टिकट काउंटर में टिकट कटाने के लिए अधिकतर लोगों का कहना है कि यहां कामकाज नहीं मिल रहा है, जिस कारण वे लोग जल्द से जल्द रोजी रोटी की तलाश में अपने पुराने संस्थान में लौटना चाहते हैं।